सो वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं भस के बायोलॉजी पार्ट 8। इससे पहले मैंने पार्ट 7 अपलोड कर दिया है। तो हमने जो पिछले टाइम जो सेकंड लेसन शुरू किया था, जो हमारा सेकंड लेसन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, तो इसका ही ये पार्ट 2 है। तो इससे पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड कर दिया है इसी लेसन का। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर पहले देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये पार्ट बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है। तो हमने पिछले स्लाइड में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो शुरू होता है वो नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, उसके बाद वो फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है एंड एक ट्रकिया आता है। ओके, सो नॉस्ट्रिल से हम एयर इनसाइड लेते हैं, फेरिंग्स से ये वहाँ से एयर फ्लो होती है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं एंड हमारा जो मेन का जो साउंड बॉक्स के जो मसल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने ओपेरा सिंगर का भी एग्जांपल दिया था एंड ये होता है हमारा ट्रकिया, जिसे विंड पाइप भी बोला जाता है। एंड मैंने उसी लेसन में कहा था कि एसोफैगस एंड ट्रकिया में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो आज हम देखने वाले हैं इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगले पार्ट देखने वाले हैं। तो अब सो हमारा फर्स्ट है लंग्स। ओके, सो लंग्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो हमारा लंग्स, अब देखो ये जो लंग्स है, ओके, तो हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल जो होते हैं, हर एनिमल्स में लंग्स होता ही है ऐसा नहीं, ओके, तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लंग्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक में लंग्स होते हैं, लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वो रेस्पिरेशन अपने स्किन से करता है। ओके, तो ये जो लंग्स होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। ओके, तो हार्ट के दोनों साइड में हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। अब देखो लंग्स इज कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ओके, लंग्स एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है एंड इसी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लूरा। इसे क्या बोला जाता है? प्लूरा। उसके बाद देखते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब ब्रोंक्यूल्स होता क्या है, इससे पहले जानने के लिए आपको ये डायग्राम देखने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल्स, ये हो गया हमारा ट्रकिया। ओके, तो आपको यहाँ ब्रांचेस दिख रहे होंगे, जो ट्रकिया के कुछ ब्रांचेस गिरे हैं, तो ये जो बड़ी ब्रांच है इसे बोला जाता है ब्रोंकस। उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। एंड इस बड़ी ब्रांच की जो स्मॉल स्मॉल जो ब्रांचेस गिर रहे हैं, ओके, तो इस स्मॉल ब्रांचेस को बोला जाता है ब्रोंकियोस। सिंपली ट्रकिया के स्मॉल ब्रांचेस हो रहे हैं, सो बड़ी ब्रांचेस जो है उसके 2 डिवाइडेशन हो रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ब्रोंकस। एंड उसके जो स्मॉल डिवाइडेशन हो रहे हैं उसे बोला जाता है ब्रोंकियोस। उसके बाद अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं उसके आजू बाजू में आप ये छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ओके, तो इन बलून्स लाइक स्ट्रक्चर सैक्स को ही बोला जाता है अल्वियोलाय। ठीक है, तो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोला, ये आप इम्पोर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ओके, ये जो नीचे वाला प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है डायफ्राम। ओके, तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है ये आज अब हम देखेंगे। ओके, अब देखो ये जो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकस डिवाइडेड टू अ सेकेंडरी ब्रांचेस एंटरिंग इन टू द लंग्स, दस ब्रोंकस डिवाइडेड अगेन फॉर्म अ स्मॉल ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ओके, ब्रोंकस के स्मॉल ब्रांचेस को ही बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। अभी इन ब्रोंक्यूल्स के आजू बाजू में स्मॉल एयर कैविटीज होती है। ओके, बलून्स लाइक एयर कैविटीज होती है एंड इस एयर कैविटीज को ही बोला जाता है अल्वियोलस। ओके, एक स्मॉल बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रोंक्यूल के आजू बाजू में लिपटे हुए होते हैं। ओके, तो इसी में से हमारा जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर जाता है, अंदर आता है, एक्सचेंज होता है लंग्स के साथ। ओके, तो अब हम देखेंगे इनहेलेशन क्या होता है एंड एक्सहेलेशन क्या होता है। सिंपली इनहेलेशन मतलब जो भी एयर है उसे लंग्स के अंदर लेना, थ्रू बॉडी के अंदर लेना थ्रू लंग्स, नॉस्ट्रिल के द्वारा और लंग्स के द्वारा बॉडी के अंदर लेना। एंड एक्सेलेशन मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसे नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर में भेज देना। ओके,
अभी जो इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन होता कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब आपको एयर की एक प्रॉपर्टी मालूम होगी, जैसा एयर क्या करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एयर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हो गया हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया एंड ये हो गया हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो एयर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वैसे क्या होता है, जैसे ये जो हमारा डायफाग्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या होता है, डायफ्राम ऐसे नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ जाती है, मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड हमें पता है कि आउटर एयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके, तो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए, ये जो बाहर की जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे लंग्स में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, इनहेलेशन। अब हम देखते हैं एक्सेलेशन। तो मैं डिफ्यूजन आपको बताऊंगा, उससे पहले हम एक्सेलेशन देख लेते हैं। तो अब ये जो इनहेलेशन होता है एक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इनहेल करने के लिए, गैस इनहेल करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। ओके, तो एज अपोजिट एक्सेलेशन, एक्सेलेशन एक पैसिव प्रोसेस होती है, मतलब सांस छोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है, इसलिए उसे पैसिव प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो हम एक्सेलेशन कैसे होता है वो देखेंगे। अब एक्सेलेशन सिंपली क्या होता है, जैसा हमारा डायफाग्राम जो था नीचे आ गया था, अब ये क्या होता है, डायफाग्राम ऊपर चला जाता है। ओके, एंड हमारे आजू बाजू में रिब्स जो होते हैं, जो होते हैं रिब्स, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नज़दीक नज़दीक आने लगते हैं। उससे क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर की जो स्पेस है वो कम हो जाती है। इसका मतलब लंग्स के अंदर हाई प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होता है। ओके, एंड बाहर बाहर जो एयर प्रेशर है वो लंग्स से लो है। ओके, इससे क्या होता है, लंग्स में जो भी एयर है वो एक्सेल होते हैं। बाहर चली जाती है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सेलेशन। ठीक है, तो हमने अभी अब मैंने बताया कि एक्सेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन सिंपली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो अल्वियोलाय होते हैं, इसके आजू बाजू में छोटे छोटे एयर बलून्स होते हैं। इन बलून्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो इन बलून्स में ऑक्सीजन होता है, जो लंग से आया है वो ऑक्सीजन होता है। एंड अल्वियोलाई के बाजू में कैपिलरीज होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी की। तब ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स को देते हैं एंड कैपिलरीज को देते हैं, कैपिलरीज को ऑक्सीजन दिया जाता है। एंड ये जो अल्वियोला है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देते हैं एंड इवेंचुअली वो नॉस्ट्रल से बाहर चले जाते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो O2 ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। तो सिंपली 97 to 98% जो हमारा ऑक्सीजन होता है बॉडी का वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है 3 to 2%, 2 to 3% वो प्लाज्मा कैरी करता है। ठीक है, तो हमारा जो HB होता है या एक रिएक्शन देखे है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। अब देखो, ऑक्सीजन होता है वो O2 में लिखा जाता है, मतलब ये एक डायाटोमिक मॉलिक्यूल है। ओके, तो 4 O2 के मॉलिक्यूल्स अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 2, तो टोटल 8 एटम कैरी करता है। कौन कैरी करता है, हमारा हीमोग्लोबिन। ओके, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है टोटल ऑक्सीजन के 8 एटम्स कैरी करता है। ओके, एंड थ्रू द प्रोसेस अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, फिर रिटर्न में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लाज्मा कैरी करता है। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखे हैं। अब देखो, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ओके, तो उसका असिमिलेशन होके
उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। अब ये ग्लूकोज से एनर्जी जो होती है कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखेंगे हम। तो सिंपली ग्लूकोज का फार्मूला जो है C6H12O6, अगर इसमें ग्लूकोज में ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो इससे प्रोड्यूस होता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स एंड H2 के 6 मॉलिक्यूल्स एंड प्लस एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है। तो एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 38 मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं एंड इसी से ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर किए हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है एंड ये जो क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस जो क्रेब्स साइकिल है ये लास्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, डॉल्फिन जो होता है तो इस डॉल्फिन को सूडो फिश भी बोला जाता है क्योंकि डॉल्फिन एक फिश नहीं है, वो एक मैमल होता है एंड डॉल्फिन एक मैमल है जिसमें लंग्स होते हैं। तो हमारा सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल जो होता है ह्यूमन होता है एंड सेकंड स्मार्टेस्ट जो एनिमल है फिश जो है वो डॉल्फिन होता है। पिछले बार करंट अफेयर्स में ये बहुत सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स में ये बात पूछी गई थी कि जो इंडस और गैगेंटिक्स डॉल्फिन है इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटेनिसा गैगेंटिका। तो इंडस इंडस गैगेंटिक डॉल्फिन जो है उसका साइंटिफिक नेम प्लांटानिस्टा गैगेंटिका है। वेल्स का फूड जो होता है वो प्लैंकटन्स होते हैं। ईस्ट जो होता है जो फर्मेंटेशन में काम आता है उसका साइंटिफिक नेम है साइक्रोमाइसी माइसी सर्विसी। हमारे जो टैडपोल्स होते हैं मतलब मेंढक के छोटे बच्चे तो उसमें गिल्स होता है, लेकिन ये जैसे टैडपोल बड़े हो जाते हैं मेंढक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें लंग्स होते ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो स्किन से करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनका अल्कोहल लेवल चेक करते हैं, तो उस मशीन का नाम होता है अल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर। तो हमारे इंडिया में 0.03% इन 100 ml और 30 मिलीग्राम इन 100 ml अल्कोहल अलाउड है। तो इससे ज़्यादा अल्कोहल लिमिट हमारे बॉडी में रखना एक क्राइम होता है। रेप्टाइल जो होते हैं क्लोड ब्लडेड एनिमल होते हैं एंड जो बर्ड होता है वो हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं। ह्यूमन भी एक हॉट ब्लडेड एनिमल है गर्म रक्त वाले हमारे प्राणी हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं वो हम देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल रिस्पायर ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो RBC होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे बॉडी में जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि जिस पोजीशन पे वो जिस प्लेस पे जो वो होते हैं वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल बेकरी प्रोडक्ट्स तो ये सभी किसके प्रोसेसेस है फर्मेंटेशन के प्रोसेस है। तो पिछली बार में मैंने कहा था अगर जो प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसे बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इसी रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का प्रोड्यूस होना वाइन प्रोड्यूस करना तो ये सभी फर्मेंटेशन के प्रोसेस है। ठीक है, सो सीड अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम सीड जमीन में डालते हैं तो जमीन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो सीड कैसे होते हैं वहाँ से जो बेबी प्लांट निकलता है वो किस प्रोसेस से निकलता है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लैक्टिस एसिड प्रोड्यूस थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय आवर मसल्स। अब देखो जब भी हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं क्योंकि हमारे जॉइंट्स में जो होता है हमारे जॉइंट्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसी लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए अगर हम थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो ये लैक्टिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा कुछ
एनिमल्स जो होते हैं जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं वो हमारा लार्वा है, फ्रॉग एंड अर्थ वॉर्म, ये जो एनिमल्स हैं वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। एंड कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, स्कॉर्पियन, ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, सो अगर इस लेसन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।